डॉक्टर एक मिनट, एक मिनट फोटो हो जाएगा। बाइट लौट के आएंगे तब करेंगे। हाँ बाइट लौट के करेंगे। अरे कर लो अभी मनोज भी ना। अरे अभी मैं कर लो यार। अरे कोई फायदा नहीं, क्या पूछोगे ये बताओ। पूछ लो, नामांकन कराने जा रहा हूँ। करा के आ रहा हूँ तो अलग बात होती है। दोस्तों भैया भैया अंग अरुण उड़ी है मतलब। डॉक्टर साहब आपको जो है सरकार ने जो है भरोसा जताया है, आपके लिए टिकट दिया है, इसके क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उनका मैं जो विश्वास है, जो भरोसा जताया है उसको पूरा करूंगा। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, माननीय योगी जी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, निश्चित ही उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करूँगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपनी मुख्य विधानसभा में करवाएंगे? निश्चित ही मैं डॉक्टर हूँ तो प्रयास मेरा चिकित्सा क्षेत्र में जरूर ऐसा रहेगा कि गांव-गांव में बहुत सारे जो लोग हैं स्पेशली आई साइट जिनकी वीक हो जाती है वो उसको बहुत इग्नोर करते हैं। मैं क्योंकि गांव-गांव घूम रहा हूँ तो निश्चित ही जो ऐसी अंधता जिसको निवारण किया जा सकता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम कोई भी अंधता का शिकार ना हो और पूर्णतया जो उसका निवारण हो सकता है उसका सबका निवारण किया जाएगा और अंधमुक्त बिथरी बिचैनपुर को करने का प्रयास करूँगा। युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? युवा तो भारत देश की नींव है और क्योंकि गांव में घूम रहा हूँ, शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्कूल वगैरह सब खुल रहे हैं लेकिन जो मेंटर होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ था, तख्ती पे लिखना सीखा और नंगे पैर भी खूब घूमा कीचड़ में, तो मैं जानता हूं कि गांव के लोगों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल उनको एक दिशा देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अब बिथरी चैनपुर से ज़रूर निकलेंगे, उनका मैं प्रयास करूँगा। IAS और IPS भी वहाँ से निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं उनको आगे लाने का प्रयास करूँगा। आप अपने क्षेत्र में किससे टक्कर समझ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं, सेवागिरी करने के लिए है। निरंतर हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी निरंतर ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, खड़े होइए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ देखिए। आप बिजली की व्यवस्थाएं देखिए, पहले बिजली आती नहीं थी, गांव में आदमी बेचारा रात में 2 बजे 3 बजे ठंडे पानी में पैर वो के कह रहे लाइट कब आएगी साहब, रात के 2 बजे आएगी, क्या व्यवस्था थी? सोचते ही नहीं थे कि गांव के ग्रामीण व्यक्ति कितना परेशान होता है। गांव में जाते थे ठंडे सिकुड़ रहे हैं और पानी लगा रहे हैं। आज कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, दिन में लाइट तो आती है, अब पानी लगाने के लिए रात्रि अगर जागरण तो नहीं करना पड़ता है ये। और चिकित्सा की दृष्टि से देखिए, कोरोना काल में इतनी भीषण स्थिति थी लेकिन भारत सरकार ने एक एक व्यक्ति को फ्री इलाज कराने की व्यवस्थाएँ की गई। कोरोना से बचने के लिए देखिए, वैक्सीनेशन जितनी यूरोप की पॉपुलेशन है।